Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to cover virtual memory. Let me share the ODL plan with you, जो कि पहले भी आपके पास है. तो okay, so a little bit of network difficulty. Okay students, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते हमने chapter 8 textbook को कवर किया, जिसमें हमने memory management, memory के बारे में, swapping, memory allocation या contiguous memory allocation, segmentation and basics of paging, इन topics को हमने discuss किया था last week. और इस हफ्ते अब हम वर्चुअल मेमोरी का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसकी जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनको इंशाल्लाह हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे. ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी जो रेफरेंस बुक है उससे हम टेबल से देखते हैं. उसके चैप्टर 8 में आपकी जो टेबल है 8.1, लेट मी शेयर दिस विद यू. थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है जिसकी वजह से शेयरिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. एक्सक्यूज फॉर दैट, देयर इज सम इंटरनेट इशू. तो स्टूडेंट्स, ये आपकी विलियम स्टालिंग की जो रेफरेंस बुक मैंने आपको रेफ़र की थी उसमें आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन जो है इसमें हाइलाइटेड है. ऑल मेमोरी रेफरेंसेस विद इन अ प्रोसेस आर लॉजिकल. ये हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए थे लास्ट वीक कि जितने भी हमारे कर्नल की व्यू होता है उसमें जो एड्रेस स्पेस होती है वो लॉजिकल होती है और वो डायनामिकली ट्रांसलेट होता है. उसकी बाइंडिंग परफॉर्म होती है फिजिकल एड्रेस से और जिसे हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं वो मेन मेमोरी व्यू होता है. आपको याद होगा उसके मेन मेमोरी के व्यू के अलावा हमने सीपीयू व्यू और कर्नल का व्यू जो है वो टेक्स्ट बुक से पढ़ा था. स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको याद होगा द सीपीयू व्यू वॉज रिगार्डेड एज द लॉजिकल एड्रेस एज वेल एज द कर्नल व्यू विच इज ऑल्सो लॉजिकल एड्रेस स्पेस. However, the main memory view is considered as the physical address. Now we look at the definition of virtual memory from table 8.1. इसमें जो स्टाइलिंग है इसने बड़ी स्पेसिफिक इसकी डेफिनेशन दी है. आपको याद होगा हमने लास्ट वीक जो आपको मैंने जो रूट डायरेक्ट्री थी लास्ट से लास्ट वीक जो हमारी डिस्कशन थी फर्स्ट फ्राइडे को, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वी आर गोइंग टू स्टडी मेमोरी और हमने डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स और कंटेक्चुअल टर्म्स जो हैं उसको स्टडी किया था. देन आई हैड शोड यू कि रूट ड्राइव पे जो पेज फाइल .sys होती है दैट इज़ द स्वैप फाइल और द वर्चुअल मेमोरी फाइल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो उसी दिन मैंने आपको हाइबर फाइल .sys भी शो की थी. आज मैं दोबारा भी आपको शो कर दूँगा. और वो क्या थी, हाइबरनेशन जो आपकी होती है कंप्यूटर की उसको वो सेव करती है. अगर आप किसी प्रोसेस को हॉल्ट कर दें या अगर पूरी की पूरी विंडोज़ को आप हाइबरनेट कर दें तो आपको अब अच्छी तरह से पता है ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब से, ओएस प्रोग्रामिंग से, कि आपके पास जो डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर है और द डफ इन प्रॉक इज़ द रूट प्रोसेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस जो है वो काम कर रहा होता है but all the other process are spawn as child to that root process in the kernel space. Therefore, when you hibernate the def in proc, actually it's a big process that is hibernated. Yani ke aapne ek process ko interrupt kiya aur uski current state aapne save kar di
और आपको याद होगा स्टूडेंट उस फाइल का नाम हाइबर फाइल डॉट सिस था, हाइबर डॉट सिस। तो यहाँ पे जो मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, ये जो डेफिनेशंस आ रही हैं इनका डायरेक्टली उससे ताल्लुक है। देखें इसने 5 मुख्तलिफ डेफिनेशंस यहाँ पे दी हैं और ये पूरी वर्चुअल मेमोरी की जो बेसिक्स हैं उसका नचोड़ है। अब देखें पहली इसने यहाँ पर डिफाइन की है वर्चुअल मेमोरी जो कि हाईलाइटेड है। तो इसको हम डिफरेंट एंगल्स से, जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर था लाइव इंटरेक्शन, उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसको दोबारा देखते हैं। तो स्टालिंग ने इसको डिफाइन किया है वर्चुअल मेमोरी को अ स्टोरेज एलोकेशन स्कीम इन विच सेकेंडरी मेमोरी कैन बी एड्रेस्ड एज दो इट वर पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। वही डेफिनेशन जो हमने 2 हफ्ते पहले की थी कि वर्चुअल मेमोरी एक्ट्स एज एक्सटेंशन ऑफ द मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी की एक्सटेंशन के तौर पे काम करती है। उसी को दूसरे अल्फाज में इसने, स्टैलिंग ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, स्टोरेज एलोकेशन स्कीम इन विच सेकेंडरी मेमोरी कैन बी एड्रेस्ड एज दो इट वाज पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। तो ये तो हो गई आपकी वर्चुअल मेमोरी। और हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की मैनेजमेंट टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको, इट विल बी गुड कि मैं आपको सी ड्राइव पे दोबारा से शो कर दूँ वो फाइल जो हमने लास्ट टाइम शो की थी। यस, सो लेट मी शेयर इट विद यू। ये स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप शो ऑल फाइल्स करते हो तो ये पेज फाइल डॉट सिस है जो कि स्वैप फाइल है या वर्चुअल मेमोरी की फाइल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 64 बिट एडिशन है प्रोफेशनल। और यहाँ पे देखिए आपको 2 फाइल नज़र आ रही हैं, पेज फाइल डॉट सिस और हाइबर फाइल डॉट सिस। हाइबर फाइल पे मैं अभी उसकी डेफिनेशन किताब से पढ़ के तो वहाँ पे आपको वापस लेके आता हूँ। तो ये विंडोज़ की स्वैप फाइल है जो हमने उस दिन भी डिस्कस की थी। सी मेरी रूट डायरेक्टरी है, तो ये रूट डायरेक्टरी के ऊपर आपकी ड्राइव जो है वो सेव है। अब हम वापस किताब की तरफ चलते हैं, रेफरेंस बुक की तरफ, जिसमें से हम बुनियादी डेफिनेशंस देख रहे थे फ्रॉम टेबल 8.1। सो वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन आपने एक दफ़ा फिर डिफरेंट वर्ड्स में देख ली। वर्चुअल एड्रेस दैट इज़ प्रिटी सिंपल, ऑल द वेरी फंडामेंटल, द एड्रेस असाइन टू अ लोकेशन इन वर्चुअल मेमोरी। आपको ये पता है कि वर्चुअल मेमोरी में प्योरली लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है और वर्चुअल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि वर्चुअल मेमोरी में डिफरेंट प्रोसेसेस जो उसमें लोड होते हैं, जो पेज उसमें लोड होते हैं, उसको असाइन किया जाता है। इसी तरह वर्चुअल एड्रेस स्पेस, अच्छा एड्रेस स्पेस का एक बड़ा, इसकी हमने डिस्कशन नहीं की थी लास्ट वीक में भी और उससे पिछले हफ्ते में भी, इसकी डिस्कशन हम आज लेके चलेंगे। वर्चुअल एड्रेस स्पेस बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोसेस के लिए, ख़ास तौर पे प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी फंडामेंटल। और जब हम प्रोग्राम्स डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज़ के बनाएंगे और प्रैग्मास को हम सेक्शन 3 में देखेंगे शॉर्टली इंशाल्लाह इन कमिंग वीक्स, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस वर्ड्स में है इसके क्या मीनिंग्स हैं। सो स्टालिंग ने जैसा कि इसकी डेफिनेशन की है, द वर्चुअल स्टोरेज असाइन टू अ प्रोसेस। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में भी अभी देखते हैं कि विंडोज़ जो है वो हर प्रोसेस को, विंडोज़ हर प्रोसेस को 4 GB 4 GB स्पेस असाइन करती है इंटेल 32-bit IA32-bit या x86 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे। 64-bit पे इससे ज़्यादा है, वो जब टॉपिक आता है तो मैं वर्चुअल स्पेस का आज के लेक्चर में तफसील से उसका जिक्र करूँगा। तो लेकिन जो 32-bit आर्किटेक्चर है या x86 जो कि आप डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ते आ रहे हो असेंबली के अंदर, और आपने जो प्रोग्रामिंग की 32-bit उसमें भी आप x86 माइक्रो आर्किटेक्चर के तहत जो है वो एड्रेसिंग और दूसरे एस्पेक्ट्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस लिहाज से 4 GB स्टोरेज स्पेस, या अगर मैं इसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़बान में कहूँ, क्योंकि हम हॉल की तो बात ही नहीं करते, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर लुकिंग एट द कर्नल। द कर्नल
either be a 32-bit Windows or a 64-bit Windows. You may install Windows 7, 8, 10, XP either in 32-bit mode or in 64-bit mode. If you have installed Microsoft Windows in a 32-bit mode, then whatever the hardware architecture is, the memory allocated to a process will be 4 GB by the operating system kernel, Windows kernel. So that 4 GB is called virtual address space. Although when a process is loaded into the memory, it is not necessary that all 4 GB address space is actually created either on the RAM or with the help of the secondary storage page file, pagefile.sys, that is not necessary. But the address space, the range, the area which it may access is 4 GB on a 32-bit system. You have to keep that in mind. So that's the design of the kernel of Microsoft Windows, that the virtual address space that is allotted to every process is 4 GB. But it doesn't mean actually 4 GB is allocated to a process. A process requests memory through its dispatcher to the root process, and root process assign memory as per the virtual address space. A process cannot exceed 4 GB in virtual address space in a 32-bit environment. So it cannot go beyond the range. So this is the horizon. Iski misal hum ye le sakte hain. For example, you have purchased one canal land. Okay? आप उस पर कवर्ड एरिया कितना कंस्ट्रक्ट करते हो, ये आपके अपने ऊपर है। जो आपकी एड्रेस स्पेस हो गई, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, उस सिचुएशन में एक कनाल की ज़मीन हो गई, अब उस पर आप कितने रूम्स बनाते हैं, गैरेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, कवर्ड एरिया कितना रखते हैं और खाली एरिया कितना रखते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपको एक डोमेन दे दी गई कि ये आपका सफ़ियर है, ये आपकी डोमेन है, ये आपकी एड्रेस स्पेस है जिसके अंदर आप काम कर सकते हो, यानी कि द मैक्सिमम अवेलेबल लिमिट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक सिर्फ एक मरले के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लें और बाकी के 19 मरले को जो है वो एम्प्टी छोड़ दें। सो इट्स अप टू यू। सो इससे हमें पता चलता है कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज द रेंज फॉर अ प्रोसेस विच इज अलॉटेड टू इट, एंड दैट इज 4 GB इन अ 32-bit एनवायरनमेंट एज पर द कर्नल्स व्यू। टेक्स्ट बुक के 19वें चैप्टर में, जिसमें से हमने आज एक पॉइंट पढ़ना है, 19th चैप्टर में हार्डवेयर का भी जिक्र है, बट वी विल नॉट, हम उसकी बेसिक्स को देखेंगे। इन डेप्थ ट्रीटमेंट जो है वो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स में आगे पढ़ोगे। सो ये दूसरी फंडामेंटल डेफिनेशन हो गई। तो वर्चुअल मेमोरी तो हम लास्ट 2 वीक्स से देखते हुए आ रहे थे। वर्चुअल एड्रेस काफ़ी आसान है कि उस मेमोरी को आप जिस एड्रेस से बाइंड करोगे, जिस शनाख्त से बाइंड करोगे लॉजिकल एड्रेस से, वो वर्चुअल एड्रेस होगा। और वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है वो स्टोरेज स्पेस जो लॉजिकली कंटेक्सचुअली एक प्रोसेस को असाइन की जाती है। यहाँ पे मैं अगेन बताता चलूँ कि 4 GB उस हर प्रोसेस की, वो नोट पैड अगर आप ओपन करते हो विंडोज़ में, नोट पैड का आपने एक प्रोग्राम बनाया, तो नोट पैड भी जो है आपके पास वो एक 4 GB जो है विंडोज़ उसको एड्रेस स्पेस अलॉट करेगी। सो इट डजेंट मीन कि एक्चुअली 4 GB मिलती है, सो वो उसकी एड्रेस स्पेस है। तो ये आपने जब आप प्रोग्राम कर रहे होगे लैब में, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि द एक्चुअल स्पेस असाइन टू अ प्रोसेस एंड इट्स एड्रेस स्पेस आर इंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, अच्छा, अब इसके नीचे इंटरेस्टिंगली आपको फिर डेफिनेशन मिल रही है एड्रेस स्पेस, द रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेसेस अवेलेबल टू अ प्रोसेस। होपफुली इसकी डेफिनेशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा, वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो थी वो लॉजिकल असाइन स्पेस थी, और एड्रेस स्पेस जो है वो मेन मेमोरी के अंदर जो किसी प्रोसेस को रेंज मिलती है, ये उस एड्रेस स्पेस की बात कर रहा है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने बेस की और लिमिट की रजिस्टर की बात की थी पिछले चैप्टर में, कि बेस और लिमिट के बीच में से रेंज निकल आती है आपकी मेन मेमोरी के अंदर जो किसी प्रोसेस को एक्चुअली मिलती है। सो ये एड्रेस स्पेस जो है, देखिए इसके साथ वर्चुअल का लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया राइटर ने, तो ये वो एड्रेस स्पेस है जो बेस और लिमिट के थ्रू, जैसा कि हमने पिछले वीक पढ़ा था, आपको वो जो रेंज मिलती है ये वो रेंज है। जैसा कि इसने देखिए डेफिनेशन में लिखा भी है, द रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेसेस अवेलेबल टू अ प्रोसेस।
इसको जो शिल्बर्ट थी या ड्रैगन बुक थी उसने बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर के ज़रिए आपको जो MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जिसे हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था या जिसे हम एक्सटेंडेड मेमोरी मैनेजर कह सकते हैं उसके ज़रिए रिजॉल्व करके तो जो रेंज निकलती है वो रेंज आपकी एड्रेस स्पेस कहलाती है। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए हमने वर्चुअल मेमोरी को देख लिया, वर्चुअल एड्रेस को देख लिया, वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो कि एक नया कॉन्सेप्ट था लास्ट टू वीक्स की निस्बत, फिर हमने एड्रेस स्पेस को भी देखा और फिर देखें इसने आखिरी चीज़ दी है रियल एड्रेसेस। तो ये मेन मेमोरी का व्यू है, द एड्रेस ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन इन मेन मेमोरी। तो जो मेन मेमोरी का व्यू होगा उसे रियल या फिजिकल एड्रेस हम बोलेंगे। तो ये थी बुनियादी डेफिनेशंस जो कि इस चैप्टर में आपके इस्तेमाल होंगे। तो वर्चुअल मेमोरी स्वैप फाइल विंडोज़ हो या लिनक्स हो, जैसा कि मैंने बताया था कि लिनक्स के अंदर या 463 कंप्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक पूरी की पूरी पार्टीशन मेंटेन होती है, वो स्वैप पार्टीशन होती है अलग से जिसपे आपकी जो स्वैप फाइल या पेज फाइल जो है उसे स्टोर किया जाता है। वेयर एज इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑल दो आप एक स्वैप पार्टीशन बना सकते हो, मगर यहाँ पे क्या होता है कि रूट डायरेक्टरी के ऊपर ही, रूट डायरेक्टरी जो आपकी सिस्टम डायरेक्टरी है उसके ऊपर ही एक फाइल क्रिएटेड होती है जो कि पेज फाइल डॉट सिस कहलाती है, उसमें आपकी स्वैप जो है वो मेंटेन की जाती है। तो स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक से हमने ये जो इसकी बुनियादी डेफिनेशन थी इसमें टेबल्स बड़े अच्छे हैं, जैसा कि पहले भी हमने डेडलॉक के सिनेरियो में टेबल को रेफ़र किया था आपको याद होगा स्टैलिंग की किताब से, और फिर हमने डेडलॉक्स को और कॉन्कुरेंट प्रोसेसेस को एक्चुअली रन किस पे किया था, ओपल के ऊपर। ओपल पे हमने रन किया था और वो जो म्यूटेक्स सीमाफोर क्रिटिकल सेक्शन की एग्जांपल थी आपके ओपल के नोट्स में उसको हमने क्लास के अंदर करके देखा था। आपने डेडलॉक जो है वो रिमूव भी किया था कॉन्कुरेंट प्रोसेस बना के विदाउट डेडलॉक, सीपी एक्टिविटी क्लास के अंदर थ्योरी की क्लास में आपने कंकरेंसी और डेडलॉक की ओपल के सिमुलेटर से की थी, जबकि जो बुनियादी डेफिनेशंस थी डेडलॉक की वो हमने कहाँ से पढ़ी थी, इसी रेफरेंस बुक से की थी। तो चैप्टर 8 में हम सेगमेंटेशन, पेजिंग, कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी की जो बुनियादी बेस टर्म्स हैं की टर्म्स उनको हम देख कर आएँ। अब वर्चुअल मेमोरी जो है उसकी हमने डेफिनेशंस कर ली यहाँ से, अब हम चलते हैं अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। सो स्टूडेंट्स मैं इसको इसकी शेयरिंग जो है वो स्टॉप करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू ओपन द टेक्स्ट बुक एंड लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक। इसकी कॉपी आपके पास अवेलेबल है, दैट वाज अपलोडेड ऑन टू द स्टडी ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 9th चैप्टर है आपके पास और हमने इसमें जाना है अब डेफिनेशंस के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स की तरफ। तो चैप्टर 8 को तो हमने जो है वो थॉरली देखा था, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में उसमें हमने जो है इसके पेजिंग तक सारे जो हैं नीटी ग्रीटी और इन डेप्थ ट्रीटमेंट है वो इसका किया था। तो वर्चुअल मेमोरी में हमारे पास हमने जो पढ़ना है वो इसमें एक तो वर्चुअल मेमोरी की बेसिक्स हो गई और उसके बाद हमने इसकी मैनेजमेंट जो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम में है उसको हमने स्टडी करना। तो यहाँ पे हम विंडोज़ की एग्जांपल ले रहे हैं एज बेस एग्जांपल, तो वो टेक्स्ट बुक में से आपने 9.10 ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स जो हैं वो करनी है। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि लैब के अंदर हम इंशाल्लाह जो आपकी मल्टी थ्रेडिंग है और डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, प्रैग्मा स्वैपिंग और ये सारी चीज़ें हमने एक्चुअली प्रोग्राम करके देखनी है और वहाँ पे आप अपने एल्गोरिदम या लॉजिक डिज़ाइन करेंगे और उसको प्रोग्राम करेंगे। सैम्पल प्रोग्राम आपको टेक्स्ट बुक में ही मिल जाते हैं, लैब का जो हम मैनुअल गाइड जो इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज़ प्रोग्रामिंग की उसमें आपको बेस प्रोग्राम तो उसी के अंदर मिल जाते हैं, और फिर जैसा कि आपको असाइनमेंट मिलती है लैब की जिसमें आपने अपनी लॉजिक इंसर्ट करनी होती है ऑलमोस्ट 10 प्रोग्राम्स एवरी वीक। तो जब हम उस सेक्शन पे पहुंचते हैं सोन इंशाल्लाह, तो देन यू विल सी मल्टी थ्रेडिंग और डायनामिक लिंक लाइब्रेरी
कि आप किस तरह से अपने मेमोरी प्रैग्मास बना सकते हैं, मेमोरी को शेयर कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, और जो क्लस्टर और पेज हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम इसकी जो लॉजिक और एल्गोरिदम्स हैं वी विल सी। तो चैप्टर 8 में हमने इसको कम्प्रीहेंसिव कवर किया। नाउ लेट सी कि चैप्टर 9 के अंदर जो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट है वो विंडोज़ में किस तरह होती है। जी, विंडोज़ इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी यूजिंग डिमांड पेजिंग विद क्लस्टरिंग, यानी कि जब इसको ज़रूरत पेश आती है तब आपकी जो है वो वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्रिएट की जाती है। यानी जिस तरह मैंने मिसाल दी थी कि आपके पास वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या है, एक खाली प्लॉट है, आपने उस पर कितनी कंस्ट्रक्शन करनी है, ये हर प्रोसेस की जैसे पर्सन टू पर्सन रिक्वायरमेंट होती है मकान की कंस्ट्रक्शन में, इसी तरह से हर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्ट करोगे उस वर्चुअल एड्रेस स्पेस के ऊपर। यानी कि जो पेज आपको, जो क्लस्टर आपको मिलेंगे स्वैप फाइल के ऊपर, उस पर आपने कितना डाटा स्टोर करना है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करेगा। होता ये किस तरह से है, व्हेन अ प्रोसेस इज़ फर्स्ट क्रिएटेड इट इज़ असाइंड अ वर्किंग सेट मिनिमम एंड मैक्सिमम। जब आपका एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसको वर्चुअल स्पेस के लिए एक मिन और एक मैक्स वैल्यू दे दी जाती है कि सपोज एक पेज आपका मिन होगा और जो है आपके 10 पेज आपके सपोज मैक्स होंगे। अभी हम 19वें चैप्टर में जाके विंडोज 7 के आर्किटेक्चर में देखते हैं कि आपके जो 32 बिट है उसमें 4K का और 64 बिट में 8K का पेज जो है वो जनरेट होता किलोबाइट्स का। ओके, तो अगर इन केस आपने उस रेंज से बाहर जाना है, द वर्किंग सेट मिनिमम इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेज द प्रोसेस इज गारंटीड टू हैव इन द मेमोरी। इफ सफिशिएंट मेमोरी इज अवेलेबल अ प्रोसेस मे बी असाइंड एज मेनी पेज एज इट्स वर्किंग सेट मैक्सिमम। तो मिनिमम जो सेट वर्किंग है उतने तो आपको गारंटी करता है, यानी कि डिस्पैचर से आप, जैसा कि आप प्रोग्रामिंग में देख चुके हैं, विन प्रॉक से आप रिक्वेस्ट कर देते हो मेमोरी की किसे, टू द रूट प्रोसेस ऑफ द कर्नल टू द डेफ इन प्रॉक, एंड डेफ इन प्रॉक असाइंस अ वर्किंग सेट मिनिमम टू एवरी प्रोसेस। व्हेन द एच विंड ऑफ अ प्रोसेस इज क्रिएटेड, ओके, व्हेन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज फिल्ड, आपको याद होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग में वो CBLS एक्स्ट्रा की फील्ड्स देखी थी, वो क्या थी, एक्स्ट्रा बाइट्स दैट आर नेसेसरी बाय द प्रोसेस। तो वहाँ पे आप अपनी क्लास को रजिस्टर करते वक्त आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट अपनी साथ मेमोरी की भेज देते हो। तो जब आपने क्रिएट विंडो कॉल किया, एच विंड उसका रेट हुआ, जब एच विंड रिटर्न होगा तो क्या होगा, आपका डिस्पैचर इन्वोक हो जाएगा। जब विंड प्रॉक इन्वोक होगा तो द विंड प्रॉक द डिस्पैचर ऑफ योर प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट विद द रूट प्रोसेस और द रिसोर्स मैनेजर, एंड द रिसोर्स मैनेजर क्या था आपके पास, स्टूडेंट्स डेफ इन प्रॉक। तो अगर वो CBLS एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट लेकर जा रहा है डेफ इन प्रॉक को, द डेफ इन प्रॉक विल प्रॉमिस कि वो उसको असाइन करेगा इतनी नंबर ऑफ बाइट्स या इतने नंबर ऑफ पेज इन द मेमोरी। तो वो क्या होता है, वो होता है वर्किंग सेट मिनिमम। कंसेप्चुअली हम उसे बोलते हैं वर्किंग सेट मिनिमम एज पर आवर टेक्स्ट बुक। ठीक है, द वर्किंग सेट मिनिमम इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेज द प्रोसेस इज गारंटीड टू हैव इन मेमोरी। तो ये क्या हो गया, ये गारंटी, जब आप रूट प्रोसेस ने डिस्पैचर को अलॉट कर दी बाइट्स, तो ये आपकी जो मिन बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर के बीच की रेंज थी, ये वो रेंज में आपके पेज जो हैं आपको अलॉट हो गए। लेकिन अगर सफिशिएंट मेमोरी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपको द वर्चुअल मेमोरी मैनेजर मेंटेन लिस्ट ऑफ फ्री पेज, तो फिर आपको वर्चुअल मेमोरी के ऊपर जो है वो एक्सटेंशन मिल सकती है। तो विंडोज़ किस तरह से मैनेज करता है जी, दोबारा से मैं आपको बता दूँ कि जब प्रोसेस क्रिएशन के टाइम पर ही वर्किंग सेट मिनिमम आ जाएगा और डेफ इन प्रॉक साथ उसकी मैक्स लिमिट भी आपको बता देगा कि आप इतनी एक्सेस कर सकते हो स्पेस। ठीक है, ओके, तो मिन वो चीज़ है जिस पे आपने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी जिससे आपके प्रोसेस का काम चल जाएगा, जितनी आपने एक्चुअली यूज़ करनी है, जो आपको मेन मेमोरी में अलॉट होगी, यानी कि वो एड्रेस स्पेस होगी।
नॉट वर्चुअल एड्रेस, वो आपकी एड्रेस स्पेस हो गई, और मैक्स क्या हो गई, मैक्स हो गई आपकी वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो वर्किंग सेट मिनिमम और वर्किंग सेट मैक्सिमम, इसके बीच में विंडोज़ जो है हर प्रोसेस की एड्रेस स्पेस या वर्चुअल एड्रेस स्पेस को मैनेज करता है। लेकिन अगर व्हेन द अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी फॉल्स बिलो द थ्रेशोल्ड, द वर्चुअल मेमोरी मैनेजर यूजेस अ टैक्टिक नोन एज ऑटोमेटिक वर्किंग सेट ट्रिमिंग टू रीस्टोर द वैल्यू अबव द थ्रेशोल्ड। अगर आपकी जो है वो मेमोरी जो है वो थ्रेशोल्ड से, थ्रेशोल्ड क्या आपकी रेंज मिनिमम वैल्यू से नीचे चली जाती है फ्री मेमोरी ड्यू टू एनी रीज़न, कोई डिवाइस ड्राइवर आपने लोड कर लिया, कोई अचानक जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी के एडमिन की कॉल आ गई। आपको मैंने बताया था प्रोग्रामिंग के शुरू में कि विंडोज़ जो है वो स्केल करता है 0 से 99% तक आपकी किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी को। एक पैरामीटर होता है प्रोसेस प्रायोरिटी, जो 0 to 9 आप असाइन कर सकते हो, 0 means 0% एंड 9 means 90%। इसकी स्केलिंग आप 1 to 100 भी लेके जा सकते हो और 0 to 9 भी लेके जा सकते हो, देर आर मोर देन वन मैथड्स। तो अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आपके पास लोड हो गया है और आपके पास स्पेस नहीं है, तो फिर आपकी आपने जो अलॉट की हुई थी वर्किंग सेट मिनिमम को, मुख्तलिफ प्रोसेसेस को, आप उसको कर्टेल करके जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको अलॉट करके, इन दैट सिनेरियो फिर आपका जो वर्चुअल मेमोरी मैनेजर है वो ऑटोमेटिक वर्किंग सेट ट्रिमिंग करके जो है वो मेमोरी को मैनेज करता है। तो ये जैसा कि इसने रेफर किया हुआ है कि चैप्टर 19 में आप इसको देख सकते हैं, तो हम चैप्टर 19 पे चलते हैं, पेज 846 पे। सो वी गो टू पेज 846। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से वो डायग्राम दिखाता चलूँ जो कि हमने इस कोर्स के अगेन टीम्स इज हॉल्टेड आई थिंक ड्यू टू नेटवर्क इशू। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं आपको ये डायग्राम दिखाता चलूँ जो कि हमने इस कोर्स के शुरू में ड्रॉ किया था। ये देखिए, फिर हम चलते हैं पेज 846 पे जहाँ पे तफसील दी हुई है विंडोज़ की वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट की। अब पेज 846 पर आप देखिए कि आपने क्या किया, इसमें पहले तो हार्डवेयर की लेयर थी, ये फिगर है 19.1 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपको याद होगा ये हार्डवेयर की लेयर हो गई और ये हॉल आ गया, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। इसमें इस चैप्टर में ये तफसील से डिफाइन भी किया हुआ है, डिस्पैचर, हॉल, हार्डवेयर, सारी चीज़ें। अगर आप इस चैप्टर को अगर पढ़ना चाहें तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको पढ़ें, वो बेसिक टर्म्स जो कि हमने शुरू में लैब के पहले 3 चैप्टर से कवर की थी, और थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने ये बोर्ड पे मोर आर लेस सिमिलर पिक्चर जो है वो ड्रॉ की थी। एज यू कैन सी कि हॉल इज सेपरेट फ्रॉम कर्नल, ठीक है जी। तो उसके बाद आपकी कर्नल से ऊपर जो यूजर स्पेस आ जाती है, इसने यहाँ पे उसको एग्जीक्यूटिव का नाम दिया हुआ है, कुछ किताबों में आपको यूजर स्पेस नज़र आएगी, और उसके ऊपर बहुत से मुख्तलिफ प्रोसेस यानी एप्लीकेशन या एप्स काम कर रही हैं, 32 bits, 16 bit, DOS की, POSIX की या OS/2 की और एंड अदर प्रोसेसेस। तो ये वही चीज़ है जो कि हम पढ़ कर आए थे शुरू में, हमने ड्रॉ किया था एक मैप सॉफ्टवेयर का। तो अभी हम चलते हैं 846 पेज की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ये 19वां चैप्टर है किस चीज़ का, ये आप देख सकते हैं बेटा कि इसने विंडोज़ 7 के तमाम एस्पेक्ट्स एक ओवरऑल ओवरव्यू किया है 19वें चैप्टर में विंडोज़ का, और 18वें चैप्टर में इसने लिनक्स का किया। तो ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम की केस स्टडीज़ हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इसने इसकी हिस्ट्री से शुरू किया है कि विंडोज़ कैसे शुरू हुई थी, जो कि हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस करके आए थे, और ये शॉर्टली उस डिस्कशन को 80 से विंडोज़ 7 पे 2009 तक लेके आ जाता है। फिर इसने डिज़ाइन की बात की है इसमें, और APIs की बात की है, एक्टिव कंट्रोल लिस्ट की बात की है, POSIX क्या होता है, विंडोज़ और POSIX में इंटर कंपैटिबिलिटी कैसे होती है उसकी बात की है, हाई परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग सिस्टम,
लोकल प्रोसीजर कॉल्स, न्यूमा आर्किटेक्चर वगैरह, और ये इसमें सारी जो बुनियादी बातें हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड की बात की है, वो उसने सारा जो कि हम काफ़ी कुछ इसमें से पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें हमने आने वाले कोर्स में पढ़नी है। देखें, ये इसने हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर और डायनामिक थिंक लाइब्रेरीज को डिस्कस किया हुआ, तो ये सारी बातें जो हैं, जो विंडोज 7 की केस स्टडी है, वो सारी की सारी इसमें डिस्कस्ड है। काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें आपने पढ़नी भी हैं। देखिए, ये 19.3 में हॉल की बात कर रहा है, फिर इसमें कर्नल को, कर्नल के डिस्पैचर यानी कि वन प्रॉक की बात आ गई, थ्रेड्स और शेड्यूलिंग की बात आ गई, तो इसने एक पूरा का पूरा ओवरव्यू जो है वो दिया इस चैप्टर के अंदर। और ये न्यू एडिशंस में ऑब्वियसली इसने ऐड किया है, तो हम इसमें फ़िलहाल इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स वर्चुअल मेमोरी मैनेजर के अंदर। तो आपने ये जो पेज है 846 इसको स्टडी करना है, इसके बाद ये फिर सिक्योरिटी और हार्डवेयर आर्किटेक्चर में चला जाता है, जिसमें हमने फ़िलहाल नहीं जाना। हम कर्नल व्यू से, कर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ना चाहते हैं वर्चुअल मेमोरी मैनेजर को। द एग्जीक्यूटिव कंपोनेंट दैट मैनेजेस द वर्चुअल एड्रेस स्पेस, फिजिकल मेमोरी एलोकेशन एंड पेजिंग इज द VM। कर्नल प्रिविलेज बोल लें आप, कर्नल मोड बोल लें, जो कि मैनेज करता है, वो वर्चुअल मैनेजर कहलाता है। वैसे हम इसे प्रोग्रामिंग की ज़बान में XMM का नाम देते हैं, और जैसा कि आपने देखा था शुरू में इसने MMU का नाम दिया था उसे, तो अभी हम MMU का एक सब कंपोनेंट कह लें, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का सब कंपोनेंट इज़ द वर्चुअल मेमोरी मैनेजर। ये MMU या XMM का, MMU थ्योरी में और XMM प्रोग्रामिंग में, ये उसका एक सब कंपोनेंट है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं द डिज़ाइन ऑफ द VM मैनेजर assumes दैट द अंडरलाइन हार्डवेयर सपोर्ट जो है वो मैपिंग के जरिए प्रोवाइड की जा सकती है। जब आपने वर्चुअल मेमोरी मैनेजर है तो देयर विल डेफिनेटली बी मैपिंग। जब किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में सफिशेंट स्पेस नहीं मिलती और उसको वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत है, तो VM मैनेजर विल बी एक्टिवेटेड अंडर द MMU एंड इट विल परफॉर्म मैपिंग और बाइंडिंग। स्टूडेंट्स, बाइंडिंग का अगर आपको लफ्ज़ याद हो, इसको हमने जो हमारी फर्स्ट इंटरेक्टिव सेशन था उसमें बड़ी तफसील से डिस्कस किया था, तो उसी बाइंडिंग को इसने यहाँ पे मैपिंग से रिप्लेस किया हुआ है। अगर आपको याद हो, हमने एड्रेस पॉइंटर की बात की थी, हमने इंटीजर पॉइंटर की बात की थी, हमने किसी मेमोरी स्पेस के नेम की बात की थी, और तीनों तरह की बाइंडिंग को बड़ी तफसील से हमने डिस्कशन की थी। और आप जो लैब कर रहे हैं उसमें भी आप देख चुके हैं कि जो प्रोसेस टेबल है उसमें इंटीजर पॉइंटर आपका स्टोर होता है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन के लिए एच इंस्टेंस, और जो आपका डिस्पैचर है वो एड्रेस पॉइंटर के थ्रू काम करता है, और किसी भी इंस्टेंस का नाम है वो भी उसकी मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सेम इज़ द केस विद द वर्चुअल मेमोरी, इसके अंदर भी हम तीनों तरह की मैपिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसको मैनेज करता है वर्चुअल मेमोरी मैनेजर। अब स्टूडेंट्स देखें कि विंडोज़ में जो पेज साइज है, यानी कि जो एक क्लस्टर है आपका मेमोरी का, या एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, होल ऑफ मेमोरी है, जो चैप्टर 8 में इसने होल ब्लॉक और क्लस्टर का नाम लिया था, वो आपका 4 KB 4 KB का साइज होगा उसका, या 2 MB का होगा, इधर 4 KB और 2 MB, कहाँ पर? AMD 64 और IA32 कंपैटिबल प्रोसेसर पे। AMD 64 से इसकी मुराद है 64-bit प्रोसेसर आर्किटेक्चर ऑफ AMD, और IA32 से कंपैटिबल से इसकी x86 माइक्रो प्रोसेसर की ये बात कर रहा है। और जो इंटेल के 64-bit जो आपके प्रोसेसर हैं उस पे आपके पेज का या क्लस्टर का जो साइज़ है वो 8 KB होगा। Pages of data allocated to a process that are not in physical memory are either stored in page files on disk. आप देखें, ये इसने बात की है वही जो मैंने आपको page file .sys दिखाई थी, pages of data, ठीक है, data के pages, cluster, holes, जो किसी process को allocate होते हैं, that are not in physical memory, क्योंकि virtual memory कब होगी? जब वो physical memory नहीं होगी, extension of mapping और binding होगी उस process की address space की, तो वो किस तरह स्टोर होगी? पेजिंग फाइल ऑन डिस्क, जो कि विंडोज़ में पेज फाइल .sys है, और मैप डायरेक्टली टू अ रेगुलर फाइल ऑन अ लोकल और रिमोट फाइल सिस्टम और पार्टीशन,
जैसा कि लिनक्स के अंदर होता है, कि या तो उसकी मैप एज डायरेक्टरी होगी या फिर वो आपकी एक फाइल होगी जो कि विंडो के केस में आपकी रूट रूट डायरेक्टरी पे सेव होती है। अ पेज कैन ऑल्सो बी मार्क जीरो फिल ऑन डिमांड विच इनिशियलाइजेज द पेज विद जीरो बिफोर इट इज एलोकेटेड, दस इरेजिंग द प्रीवियस कॉन्टेंट्स। सो ये अब आपकी मर्जी है जिस तरह से आप जनरल प्रोग्रामिंग में स्टैटिक डाटा इस्तेमाल करते हो, स्टैटिक पेज इस्तेमाल करते हो। तो स्टैटिक डाटा में स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि एक सिग्मा आपका राइट कर दिया जाता है। आप कोई खास सिग्मा जो है वो लिख देते हो और जो उसमें पहले से गार्बेज वैल्यू होती है उसको आप जो है वो ओवरराइट कर देते हैं, गार्बेज जो है वो रिमूव कर देते हैं। सो इट्स अप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और द वीएम मैनेजर फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन टू वर्जन के कर्नल जो है किसको प्रेफर करता है। ऑब्वियसली अगर आपने पेज को फिल करना है विद सम अदर सिग्मा तो फिर आपको उसके लिए सीपीयू साइकिल्स भी कंज्यूम होंगे और पेज क्रिएट करना और डिलीट करना जो है वो थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। कि जब आप क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज की मेमोरी जो है उसकी स्पीड कंसिडरेबली स्लोअर होती है, जब आप उसे राइट करोगे विद सम स्पेशल सिग्मा लाइक जीरो इट विल डेफिनेटली कंज्यूम सीपीयू साइकिल्स। सो नाउडेज जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है इट इज बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर एज यू गाइस नो एसएसडी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एसएसडीज। तो हम हार्डवेयर साइड पर नहीं जाएंगे, वी विल रिमेन ऑन द सॉफ्टवेयर साइड। तो स्टूडेंट्स विंडोज में आपने देखा कि वर्चुअल मेमोरी किस तरह से मैनेज होती है, मीन मैक्स और ट्रिमिंग की हम बात करके आए वर्चुअल मेमोरी के चैप्टर से, और हमने डेफिनेशंस देखे विलियम स्टालिन से, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्चुअल मेमोरी मैनेजर जिसमें वो 4K और 8K के पेज साइजेस मेंटेन करता है और आइदर वो रूट डायरेक्टरी पे होगा या किसी पार्टीशन के ऊपर होगा, और जीरो फिल ऑन डिमांड भी आपका हो सकता है। अब देखिए वो बात जो मैंने आपको वर्चुअल एड्रेस स्पेस में बताई थी वो राइटर जो है यहाँ पे उसे डिस्कस कर रहा है। एज यू गाइस कैन सी ऑन IA32 प्रोसेसर्स ईच प्रोसेस हैज 4 GB वर्चुअल एड्रेस स्पेस। 32 बिट की जो आपकी होगी आर्किटेक्चर उस पर 4 GB जो है वर्चुअल एड्रेस स्पेस आपका कर्नल अलॉट करेगा। द अपर 2 GB आर मोस्टली आइडेंटिकल फॉर ऑल प्रोसेसेस एंड आर यूज बाई विंडोज इन कर्नल मोड टू एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम कोड इन डेटा स्ट्रक्चर्स। जो आपके अपर 2 GB होते हैं वो कर्नल स्पेस होती है, लोअर 2 GB हैं वो यूजर स्पेस होती है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग ये एक्सेप्शनल केसेस में प्रोसेस को 4 GB एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगी। जैसे आपके पास एक कनाल का तो आप सारा का सारा उसको कवर्ड एरिया कर दो, दैट विल बी एक्सेप्शनल। तो लाइक अ वीडियो गेम और समथिंग मोस्टली जो आपके जिस तरह मीडिया प्लेयर है, माइक ऑफिस एप्लीकेशंस हैं, गूगल क्रोम है, एक्सप्लोरर है, दे यूजली डोंट टेक 4 GB स्पेस ऑल द टाइम्स। सो इट इज़ लेस देन द 4 GB। सो 2 GB जो है जो अपर 2 GB होगी वो तमाम प्रोसेस के लिए आइडेंटिकल क्यों होगी, क्योंकि वो कर्नल स्पेस होगी। कर्नल मोड में क्या होगा कि उसके अंदर आपका कोड सेगमेंट होगा, जो डेटा सेगमेंट होगा कोड सेगमेंट और कर्नल की डेटा स्ट्रक्चर्स। अब कर्नल की डेटा स्ट्रक्चर ये सिर्फ अल्फाज तक नहीं है, आपको समझ आ गए होंगे, आपने इतने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, MSG स्ट्रक्चर देख चुके हो आप, HBind स्ट्रक्चर देख चुके हो आप, विंड क्लास स्ट्रक्चर देख चुके हैं आप, रेक्ट स्ट्रक्चर देख चुके हैं आप, टेक्स्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया है। इसी तरह देर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग में विंडोज़ के जो डिफॉल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कर्नल मेंटेन करते हैं वो आप पढ़ चुके हो। पर आपको ये भी पता है कि जैसे ही हम किसी स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन के तहत इन्वोक करते हैं तो उसमें डफिन प्रॉक या रूट प्रोसेस डिफॉल्ट वैल्यूज डाल देता है। सो किसी प्रोसेस की वर्चुअल मेमोरी की जो अपर 2 GB होगा उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, पहली चीज़ वो कर्नल मोड होगा, मैनेज कौन करेगा उसे विंडोज़, और आपको पता है जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो दैट विल बी डफिन प्रॉक, और उसमें होगा क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड which means the dispatcher and your program entry point and lots of other functions like process control block, create window, message loop functions like show window and update window, translate message and dispatch message and etc. and your careers and all those things
are stored in the upper 2GB. It doesn't mean that all 2GB space will be occupied by that. It means कि उसमें से जितनी process to process required होगी उतनी occupy होगी, लेकिन वो upper 2GB consider होगी. For the AMD 64-bit architecture, Windows provides 8 terabyte. Look the difference. 8 terabyte virtual address space for user mode out of the 16 by existing hardware. तो उसमें 8 TB allot होती है. तो ये आप देखेंगे virtual address space है, ठीक है? It is not actual. और hardly इसकी ज़रूरत आपको पेश आती है casual processes के अंदर. तो अगर 8 terabyte भी होगी तो upper half kernel mode होगी, lower half यूजर मोड हो. तो और अपर हाफ में आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं. अब तक आप कर्नल में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को पढ़ चुके हैं. वो प्रोग्राम की अपर हाफ में होंगे और लोअर हाफ में आपका डेटा क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि एक प्रोसेस का जो अपना प्राइवेट डेटा होता है वो उसमें स्टोर होगा. तो अगर आप आइडेंटिकल प्रोसेस लोड करते हैं और एच प्रीवियस इंस्टेंस हमें तो नली नज़र आता है, लेकिन कर्नल स्पेस को या डेफिन प्रॉक को वो उसको रीड कर सकता है, तो जो अपर हाफ है वर्चुअल मेमोरी का वो विद इन एक ही प्रोसेस के एक से ज़्यादा इंस्टेंसेस में अपर हाफ में भी शेयर, बिकॉज अपर हाफ के अंदर उस 2GB में कोई भी यूज़र डाटा नहीं होगा, लेकिन आपका जो उस प्रोसेस की जो कर्नल मोड है का डाटा है वो डेटा स्ट्रक्चर और फंक्शंस उसमें अवेलेबल होंगे. मिसाल के तौर पे आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को 10 दफ़ा ओपन कर लिया या गूगल क्रोम को 5 दफ़ा ओपन कर लिया, तो विंडोज़ का जो आर्किटेक्चर है, जो उसकी अपर स्पेस है, वो पूरे के पूरे 10 प्रोसेस वही अपर यूज़ कर रहे होंगे. जो उनकी लोअर स्पेस है, क्रिटिकल डाटा, पर्सनल डाटा है, वो अपना अपना होगा, लेकिन अपर स्पेस में वो अपना एच प्रीवियस इंस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे और वो मैप करेंगे उस एक प्रोसेस के साथ. तो यही वजह है कि जब आप किसी हैवी प्रोसेस के का पहली दफ़ा आप ओपन करें तो इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम किसी स्लोअर कंप्यूटर पे, लेकिन जब आप दूसरी तीसरी दफ़ा उसको ओपन करते हैं तो इट ओपन्स लाइक अ फ्लैश, बड़ी तेज़ी के साथ वो ओपन हो जाता है. तो उसका यही रीज़न है कि जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस और डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो शेयर्ड होते हैं. और जैसा कि आपने लैब में देखा भी था कि जो प्रोग्राम एंट्री पॉइंट का दूसरा आर्ग्यूमेंट था, दैट वॉज एट प्रीवियस इंस्टेंस, वो इंक्रीमेंट होता चला जाता है, लेकिन बाकी कोड उसमें शेयर होता है, ना सिर्फ कोड बल्कि बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स. हाउएवर जो आपका पर्सनल डेटा है वो लोअर हाफ में होगा और वो शेयर नहीं होगा. अब स्टूडेंट्स इसने देखें, इस स्पेस ने बाकी कुछ बातें डिस्कस की हैं यहाँ पे. अहम की एरियाज ऑफ कर्नल मोड रीजन दैट आर नॉट आइडेंटिकल फॉर ऑल प्रोसेसेस आर सेल्फ मैप, ठीक है, जो लोअर हाफ है, जो की एरिया नहीं है, वो उसकी मैपिंग हर प्रोसेस की अपनी होती है. दीज आर सेल्फ मैप, वो चाहे एज प्रीवियस इंस्टेंस जो मर्जी हो जाए, उसकी एक्सेस सिर्फ उसी ही प्रोसेस को होगी. अच्छा, इसने आगे अब जिक्र किया है हाइपर स्पेस का. जब आप किसी प्रोसेस की स्टेट को सेव करते हो, हाइबरनेशन, और इसी तरह सेशन स्पेस की बात की है, तो हम इन हाइबर स्पेस और सेशन स्पेस को हम डिस्कस करते हैं. थोड़ा सा इस राइटर का पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको इसे एग्जांपल से और जो हम लैब में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उससे कॉरिलेट करके आपको इसको बता देता हूं ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें. ओके स्टूडेंट्स, द हार्डवेयर रेफरेंस अ प्रोसेस पेज टेबल यूजिंग फिजिकल पेज फ्रेम नंबर्स एंड द पेज टेबल सेल्फ मैप मेक्स द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेस पेज टेबल एक्सेसिबल यूजिंग वर्चुअल एड्रेसेस. अच्छा, सेल्फ मैप क्या हो गया जी? पेज टेबल का सेल्फ मैप, सेल्फ मैप इसने पीछे बताया है ऐसा डाटा जो कि तमाम प्रोसेस में आइडेंटिकल ना हो, नॉट आइडेंटिकल फॉर ऑल प्रोसेसेस. वो डाटा क्या होता है? सेल्फ मैप होता है, विच मींस कि ये उस प्रोसेस का लोअर हाफ है जो कि पेज टेबल के अंदर मेंटेन होगा और इसकी मैपिंग हर प्रोसेस की एक इंस्टेंस के साथ होगी. एक्सेल के 10 इंस्टेंस चल रहे हैं एक कंप्यूटर पे, तो हर इंस्टेंस का अपना सेल्फ मैप होगा, ठीक है, डाटा उसका अपना होगा. हाउएवर जो अपर स्पेस है वो शेयर कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ आ गई हाइबर स्पेस मैप्स द करंट प्रोसेस वर्किंग सेट इंफॉर्मेशन इनटू द कर्नल मोड एड्रेस स्पेस. जो उसका करंट प्रोसेस वर्किंग सेट है,
कभी आप कंप्यूटर को हाइबरनेट करके देखो और फिर जब आप से रीस्टार्ट करोगे तो जहाँ पे जो आपका एक्सप्लोरर पे पेज ओपन था, जो पीडीएफ में फाइल ओपन थी, जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे थे और जितना काम किया था, चाहे आपने सेव नहीं किया था, उसी स्टेट से जो है हाइबर स्पेस जो है वो बहाल हो गया। अब हाइबर स्पेस भी हर प्रोसेस की अपनी है, ठीक है। तो जो विंडोज़ जब हाइबरनेट होती है तो हम किस प्रोसेस को हाइबरनेट कर रहे हैं? होपफुली आप इसको इसका आंसर खुद ही समझ गए होंगे। द रूट प्रोसेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ओनली वन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल व्यू सीज द होल ओएस एज अ वन प्रोसेस एंड दैट्स अ रूट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड डेफिनप्रॉक। सो व्हेन यू हाइबरनेट योर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यू आर हाइबरनेटिंग थ्रू डेफिनप्रॉक। सो डेफिनप्रॉक प्रोसेस करंट इंफॉर्मेशन सेट इज सेव्ड इन कर्नल मोड ऑन टू अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। डेफिनेटली हाइबरनेशन में आप शट डाउन कर देते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज या वर्चुअल मेमोरी, याद रखें हाइबर फाइल डॉट सिस इज ऑल्सो अ स्वैप फाइल। ओके, सो हाइबर स्पेस जो है वो किसी प्रोसेस की करंट स्पेस जो है उसमें सेव हो जाती है, फिर चाहे आप उसे 1 साल के बाद रीस्टार्ट करोगे उस कंप्यूटर को तो डेफिनप्रॉक जिस जगह पे था वही स्टेट अपनी रीस्टोर कर देगा। सेशन स्पेस इज यूज टू शेयर एन इंस्टेंस ऑफ द विन 32 एंड अदर सेशन स्पेसिफिक ड्राइवर्स अमंग ऑल प्रोसेसेस इन द सेम टर्मिनल सर्वर सेशन। सेशन स्पेस क्या होती है? जो आपकी करंट स्पेस है, जो आप हॉल इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, जो डिवाइस ड्राइवर आपने किसी प्रोसेस के लिए लोड किए हुए हैं रन टाइम के ऊपर, वो आपकी सेशन स्पेस होती है। और जाहिर है अगर आप प्रिंटर का ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ड भी यूज़ कर सकता है, नोट पैड भी, पीडीएफ भी, क्रोम भी, वो अमंग ऑल प्रोसेसेस जो है वो आपका शेयर होगा। ओके, टर्मिनल सर्वर, ये इसने टर्म इस्तेमाल की है क्लासिकल सिस्टम्स की या मेन फ्रेम्स की या मिडलवेयर की, जहाँ पे आपके पास प्रोसेसिंग पावर एक होती है और आप डमी टर्मिनल्स इस्तेमाल कर रहे होते हो मुख्तलिफ जगह पे। और जाहिर है अगर एक टर्मिनल पे आपने प्रिंट की कमांड दी है तो कोई दूसरा तीसरा कंप्यूटर भी प्रिंट की कमांड दे सकता है, तो वो जो आपकी सेशन स्पेस होगी वो शेयर्ड होगी या डिवाइस ड्राइवर शेयर्ड होगा अमंग द डिफरेंट टर्मिनल्स ऑफ अ कंप्यूटिंग मशीन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसमें अभी जो लास्ट आइडिया हमने डिस्कस करना है वो है विंडोज वीएम मैनेजर यूजेस अ टू स्टेप प्रोसेस टू एलोकेट वर्चुअल मेमोरी। विंडोज का जो XMM है, जो वर्चुअल मेमोरी मैनेजर है, वो दो स्टेज में वर्चुअल मेमोरी असाइन करता है। फर्स्ट अप स्टेप रिजर्व्स वन और मोर पेज ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस, ठीक है, इन प्रोसेसेस वर्चुअल एड्रेस स्पेस। द सेकेंड स्टेप कमिट्स द एलोकेशन बाय असाइनिंग वर्चुअल मेमोरी स्पेस, फिजिकल मेमोरी और स्पेस इन द पेजिंग फाइल। फिर आप देखें दो तरह होंगी, जैसे हमने अभी 9वें चैप्टर में भी देखा था ऊपर, कि पहले वो एक मीन सेट असाइन हो जाता है जो कि प्रॉमिस हो जाता है, जो रिजर्व हो गई थी कि आपकी इतनी स्पेस आपको लाजमी मिलेगी मेन मेमोरी में, तो उसमें मिल जाएगी, वरना आपकी मैपिंग के जरिए आपको वर्चुअल एड्रेस स्पेस में मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि आप उस जो एक्चुअल आपको मिल गई है उस रेंज में से इस्तेमाल कितनी करते हो, कमिट कितनी करते हो, ठीक है। तो जो वो कमिट आप करोगे अगर फिजिकल में है तो फिजिकल में मिल जाएगी, नहीं तो आपको पेज फाइल पे वो स्पेस मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने ये 8वें और 9वें चैप्टर के अंदर मेमोरी और मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को बड़ी तफसील के साथ हमने इसमें पढ़ा। 8th चैप्टर में आपको याद होगा हमने लास्ट वीक जो है वो मेमोरी का पूरा आर्किटेक्चर, सेगमेंटेशन और अक्सर पेजिंग जो है वो डिस्कस की, कॉन्टिगस मेमोरी एलोकेशन, उसमें जो टेक्निक्स थी वो सारी डिस्कस की। और आज हमने स्वैप फाइल की डेफिनेशन जो हमने 2 हफ्ते पहले भी देखी थी उसको भी देखा, और जो थ्योरी में लिखा हुआ है इसको हमने प्रोग्रामिंग से कॉरिलेट करने की कोशिश की है, ताकि सिर्फ ये अल्फाज ही ना रहें बल्कि आप इस चीज़ को ईजीली अंडरस्टैंड भी कर सको कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी, और उसकी बेसिक 5 टर्म्स वो आपने रेफरेंस बुक से देख ली, फिर आपने इसकी मैनेजमेंट टेक्निक्स देखी कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको कैसे मैनेज करता है, और मैंने आज की क्लास में कोशिश की है कि आपको प्रोग्रामिंग की एग्जांपल दे के साथ साथ मैं इसको समझाता भी जाऊँ।
सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू स्टडी। तो स्टूडेंट्स, अब आपने एक तो वो रेफरेंस बुक से इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, किताब टेक्स्ट बुक से आपका वो आठवां चैप्टर भी इसी का ही पोर्शन है जो हमने किया लास्ट वीक, और नाइन्थ चैप्टर में से वो जो सेक्शन मैंने बताया विंडोज़ का वो आपने करना है, रेफरेंस बुक से आपने इसकी जो मैंने टेबल दिखाई थी उससे डेफिनेशन कर लेनी है, और 19वें चैप्टर में आपने ये वर्चुअल मेमोरी मैनेजर का जो पेज 846 है इसको स्टडी कर लेना है। तो इससे इस सारे चैप्टर को भी आप स्टडी करना चाहें एज अ गो थ्रू तो आप कर सकते हैं, इसमें काफ़ी बातें हम कर चुके हैं और काफ़ी बातें करेंगे। इट्स अ केस स्टडी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। सो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, तो आप इसको गो थ्रू कीजिए और चैप्टर 8 को भी गो थ्रू कीजिए जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था, और इंशाल्लाह आज की क्लास से कोई सवालात हों तो आप कल जुम्मे के दिन मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन द लाइव इंट्रक्टिव सेशन। खुदा हाफिज़। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।